Good morning, students. Welcome back to the new session of learning in this lockdown period. We are discussing chapter number 3 of class 11. Okay, and today's topic of discussion is accounting principle. Today we are going to discuss accounting principle. We already discussed 3 accounting concepts or assumptions. Okay, so first is business entity principle. Okay, इन बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स ये कहा जाता है कि बिजनेस और बिजनेस मैन, ठीक है, मतलब बिजनेस और उसका ऑनर दोनों अलग अलग चीजें हैं. ठीक है, मतलब दे बोथ आर सेपरेट. ये बोथ क्या है? सेपरेट एंटिटी है. ठीक है, रिपीटिंग अगेन, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस और बिजनेस मैन दोनों अलग अलग हैं, मतलब दोनों सेपरेट एंटिटी हैं. तो इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल व्हाट वी डू, वी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं. ठीक है, इन द सेम वे सो जो बिजनेसमैन है वो कैपिटल लेकर के आता है जैसे ही वो बिजनेस स्टार्ट करता है. ठीक है, कैपिटल लेकर के आता है तो ये कैपिटल को लायबिलिटी माना जाता है. ठीक है, ये कैपिटल को लायबिलिटी माना जाता है और बिजनेसमैन ये मानता है कि मैंने ऑनर से, ठीक है, जो कैपिटल है वो उधार लिया हुआ है और मुझे फ्यूचर में चुकाना है. सो दिस इज माय लायबिलिटी. ओके, और ये जो ऑनर है वो मेरा क्या है? क्रेडिटर है. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. सो बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑनर. ओके, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे कैपिटल को लायबिलिटी ट्रीट करते हैं. कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी. कैपिटल को हम लोग लायबिलिटी ट्रीट करते हैं. ठीक है, तो ये तो था हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. ओके, अब हम दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, उसका नाम है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, या फिर प्रिंसिपल बोलते हैं, हम लोग प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले हैं. दिस इज वेरी सिंपल, दोज ट्रांजेक्शन्स विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, आर रिटन इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. वैसे ट्रांजेक्शन्स जिसको हम, सो दोज ट्रांजेक्शन्स विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. वैसे ट्रांजेक्शन जिसको हम मनी के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर पाए उसी को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं. जैसे मान लो हमारे जो ये है ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं. ओके, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट वी डू नॉट रिकॉर्ड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बट अगर हम कोई गुड्स सेल करते हैं जिसकी वैल्यू 5,000 है, ठीक है, मैं मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रही हूँ, जिसकी वैल्यू 5,000 है, तो उसको चुपचाप से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं. ठीक है, तो ये मैं यहाँ लिखती हूँ, ट्रांजैक्शंस विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, इंपॉर्टेंट क्या इसमें, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. थर्ड इज अकाउंटिंग
काउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल. ओके ओके, तो थर्ड प्रिंसिपल इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल. ओके, तो आपको तो पहले पता है, आपने पढ़ा था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. इसमें आपने क्या पढ़ा कि हम लोग जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये सोच करके करते हैं कि हमारे बिजनेस जो है बहुत लंबे सालों तक चलेगी. तो मान लो मैंने ये सोचा है कि मेरा बिजनेस जो है बहुत लंबे सालों तक चलेगी. ये बहुत लंबे सालों तक चलेगी, दिस इज, हम जो बिजनेस के लाइफ ऑफ बिजनेस जो है हमें नहीं पता है कितने सालों तक चलेगी, क्योंकि हम इस पॉजिटिव सोच के साथ अपना बिजनेस खोलते हैं कि हम बिजनेस जो हमारा है बहुत लंबे सालों तक चलेगी. ठीक है, तो हम बिजनेस का लाइफ कितना है ये हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते. हो सकता है 30 ईयर्स हो सकता है 40 ईयर्स हो. मान लो सपोज हमारा बिजनेस 30 ईयर्स तक चलेगा, ठीक है, तो क्या हम अपने बिजनेस के 30 ईयर्स के बाद ये पता करेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? इज इट पॉसिबल? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. तो अगर हम ये मान लें कि पूरे हमारा जो बिजनेस है उसका लाइफ मान लेते हैं 30 ईयर्स है, तो क्या हम 30 ईयर्स के बाद ये डिसाइड करेंगे कि हमारा बिजनेस में लॉस हो रहा है या फिर हमें प्रॉफिट हुआ है? पूरा बिजनेस करने के बाद क्या हम 30 ईयर्स तक जी पाएंगे? ठीक है, तो जी भी सकते हैं एंड वी कैन डाई ऑल्सो. सो हम जो क्या करते हैं, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट कर रहा है या फिर लॉस कर रहा है. इसको जानने के लिए हम जो पूरे लाइफ ऑफ द बिजनेस है इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, जनरली हम 1 ईयर में डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो ये 1 ईयर में डिवाइड कर लेते हैं और 1 साल के एंड में हम ये पता कर लेते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है. ठीक है, ये डिटरमाइन करते हैं कि हमें 1 साल के जो ऑपरेशन से प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, और दूसरा साल का ऑपरेशन हम अकॉर्डिंगली करते हैं, उसी हिसाब से प्लान करते हैं. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा लाइफ ऑफ द बिजनेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. जनरली 1 ईयर्स में करते हैं और अब डिसाइड करते हैं कि हमें 1 ईयर के एंड में प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है. ठीक है, मैं इसके लिख देती हूँ इसके लिए. लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज divided into the small time interval known as accounting पीरियड. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो 1 साल का 1 साल तक के लिए हमने जो डिवाइड किया बिजनेस को, उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ विच वी प्रिपेयर प्रॉफिट and loss account and balance sheet is also prepared. मतलब ये जो हमने किया, पूरे बिजनेस के लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हर एक पार्ट्स लाइक 1 ईयर में डिवाइड किया, ईच 1 ईयर, जितने भी देख रहे हैं सब 1 ईयर्स के लिए डिवाइड किया. हर एक 1 ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है, अकाउंटिंग. और हर एक साल के आखिर में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, जो कि हमें अपना बिजनेस का पोजिशंस को बताता है. ओके, so that's all in today's video. I have just discussed 3 principles in this video.
the next video I will discuss at least 5 principles. So please attend, make your attendance and keep studying and stay safe. Thank you.